नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज ट्रेंड्स इन द ग्लोबल रिटेलिंग बिकॉज फ्राम द ग्लोबल प्रस्पेक्टिव आपके लिए जानना जरूरी है कि इन दिस पर्टिकुलर ईयर और आने वाले सालों में वट आर द ट्रेंड्स जो कि एक कस्टमर देख रहा है और एक रिटेलर देख रहा है तो दोनों के प्रस्पेक्टिव में दिज आर वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ट्रेंड जो हमारे पास है दैट इज स्मॉल एंड स्मार्ट मॉल्स जिस तरीके से उसके नाम से विजबल है देर आर टू पार्ट्स असोसिएटेड टू इट सबसे पहला पार्ट इज दी स्मॉल मॉल्स और सेकेंड इज दी स्मार्ट मॉल्स जिस तरीके से अभी आज के दिन में सारी दुनिया में देर आर बिग बॉक्सेस मौजूद हैं बड़े स्टोर्स मौजूद है यू विल फाइंड फिफ्टी थाउजेंड स्क्र फीट यू विल फाइंड टू हंड्रेड थाउजेंड स्क्र फीट स्टोर्स ऑल्सो ये वो सारे स्टोर्स कॉन्सेप्ट है जो कि शायद आज के दिन में कस्टमर के लिए को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अप्रिशियेबल नहीं है या कस्टमर के लिए बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं है तो आज के दिन में द रिसेंट ट्रेंड विच इज एमरजिंग इज़ स्मॉल मॉल कॉन्सेप्ट कि जहाँ पर कस्टमर के पास कन्वीनियंस ईजीली अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट हो वो दैट इज़ दी मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस फॉर द कस्टमर सो इसलिए जो बिग बॉक्स का कॉन्सेप्ट था इवन बड़े स्टोर्स लाइक वॉलमार्ट इवन बिग स्टोर्स लाइक बेस्ट बाय और इसके अलावा इवन बिग स्टोर लाइक मेट्रो लाइक वो ये वो तमाम और इसके अलावा और भी हंड्रेड ऑफ स्टोर है जो कि पहले बिग बॉक्स मॉडल के ऊपर थे एक बहुत बड़े बड़े स्टोर्स के स्ट्रक्चर को लेकर चल रहे थे और अब वो क्या सोच रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि नाउ दे शुड गो फॉर द स्मॉल स्ट्रक्चर फॉर एग्जाम्पल इवन इन पाकिस्तान मेट्रो हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेशली विच इज़ अ स्मॉल स्टोर अगेन स्मॉल मास स्मार्ट का कॉन्सेप्ट है ताकि कस्टमर को उसके एरिए के अंदर उसकी लोकेलेटी के अंदर बेसिक प्रोडक्ट कमोडिटीज जो है वो मिल सके इसका दूसरा पार्ट हमारे पास है स्मार्ट मॉल्स के हवाले से कस्टमर आज के दिन में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया सो देर आर स्टोर्स नाउ जो ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं और अपकमिंग ट्रेंड क्या है कि कस्टमर को स्टोर फाइंडर चाहिए कस्टमर को ऑटोमेटिक पार्किंग चाहिए कस्टमर को स्टोर लोकेटर चाहिए कस्टमर को असॉटमेंट लोकेटर चाहिए कस्टमर को स्टोर के अंदर बारकोड रीडर चाहिए मे बी कोई विचुअल रियलिटी का एक्सपीरियंस चाहिए सो यू नीड टू क्रिएट स्मार्ट मॉल्स इंस्टेड ऑफ मेकिंग द बॉक्सेस फॉर द कस्टमर ऐसा क्यों है क्योंकि कस्टमर अब टेक्नोलॉजी ड्रिवन है इमेजिन आप किसी स्टोर के अंदर है बेशक वो छोटा स्टोर ही हो और आपको वहाँ पर वाईफाई की फैसिलिटी मौजूद ना हो हाउ वुड यू फील आज के दिन में मे बी हैंडी कैप्ड एंड फॉर श्योर इट इज लाइक दिस तो इसी तरीके से जब हम स्मार्ट मॉल की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो उसमें वन ऑफ द कोअर पार्ट इस कि वहाँ पर इंटरनेट अवेलेबिलिटी वाईफाई अवेलेबिलिटी से लेकर टिल द एप सोलूशन टिल द टेक्नोलॉजी सोल्यूशन वो सारी चीज़ें मौजूद हों कस्टमर को फैसिलिटेट करने के लिए अगर उसको कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा तो मे बी ई कैन गेट अ प्रोडक्ट फाइंडर अगर उसको कोई आइटम नहीं मिल रहा मे बी ई कैन गो एंड फाइंड एन आइटम अगर उसको कोई रिसोर्स नहीं मिल रहा जिससे वो बात करना चाहता है जिससे वो बात करके पूछना चाहता है प्रोडक्ट के बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहता है तो इट इज़ वेरी ईजी कि उसके पास कोई ना कोई टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन कोई ना कोई एप्लीकेशन मौजूद होनी चाहिए जो कि उसको फैसिलिटेट कर सके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में सेम इज़ द केस स्मार्ट मॉल कॉन्सेप्ट के अंदर पेमेंट का सोल्यूशन भी स्मार्ट होना चाहिए इट शुड नॉट बी विद रिस्पेक्ट टू कैश ओनली हमारे पास कार्ड सोलूशन है और इसके अलावा भी नाव मोबाइल सोल्यूशन की बात हो रही है सो मोबाइल पेमेंट सोल्यूशन इज ऑल्सो एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ दिस स्मार्ट मॉल कॉन्सेप्ट सो दन फर्स्ट मेजर ट्रेंड विच इज एमरजिंग इज स्माल स्टोर स्मॉल मॉल्स एंड स्मार्ट स्टोर दूसरा हमारे पास जो मेजर ट्रेंड विच इज एमरजिंग इज सिल्वर इकॉनमी नॉर्मली आपके नॉलेज में ये बात जरूर होगी कि वो तमाम लोग जो कि फिफ्टी ईयर्स प्लस से ज़्यादा है फिफ्टी ईयर प्लस हैं वो नॉर्मली एक सिल्वर इकॉनमी को के तौर पे फॉल करते हैं सिल्वर इकोनॉमी उन तमाम लोगों की इनकम उन तमाम लोगों की आमदनी उन तमाम लोगों की वेल्थ से ड्राइव हो रही होती है अगर हम इंटरनेशनली यूरोपियन और अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसको स्टडी करें और सारी दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर स्टडी करें सो ट्वेंटी थ्री परसेंट ऑफ योर पॉपुलेशन इंटरनेशनली इज पार्ट ऑफ सिल्वर इकोनॉमी विच मीन्स यू कैन नॉट फॉरगेट देम इन जनरल तो रिसेंट ट्रेंड क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम पहले बात करते थे किसी भी टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते थे पहले किसी भी किसी भी हवाले से रिटेलिंग के कॉन्सेप्ट की तो हमारा टारगेट था आज के दिन के यूथ यंग पॉपुलेशन यंग जनरेशन लेकिन सिल्वर इकोनमी इज़ दी रीसेंट इमर्जिंग ट्रेंड जहाँ पर आपका जो रिसोर्स है वो कौन रिसोर्स है ये वो रिसोर्स है जो कि 50 इयर्स प्लस वाले कस्टमर्स हैं और दे कैरी नॉर्मली 60 परसेंट ऑफ़ द वेल्थ इवन द कस्टमर्स इन यू जो कि फिफ्टी ईयर्स प्लस में है दे कैरी सिक्सटी परसेंट ऑफ द टोटल वेल्थ ऑफ द कस्टमर्स इस केस के अंदर हमारे पास बेस्ट पार्ट ये है कि इस इकोनॉमी को भी टारगेट करना है इन लोगों को भी इस कस्टमर सेगमेंट को भी हमने किसी ना किसी तरीके से टारगेट करना है क्योंकि अगर आप इसको टारगेट नहीं करेंगे सो यू वॉट यू विल मिस जनरली ये समझा जाता है कि ये लोग बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है बिकॉज दे आर ओल्ड इनफ बट दिस फैक्ट विल बी एन आई ओपनर फॉर यू क्योंकि फिफ्टी परसेंट से ज्यादा लोग आज के दिन में स्मार्टफोन और इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है हु आर पार्ट ऑफ एक्चुअली सिल्वर इकोनॉमी सो रिटेलर हैज़ टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रेंड इज वेल थर्ड ट्रेंड हमारे पास है लक्जरी रिटेल लैंडस्केप इन एशिया एज वी ऑल नो दैट एशिया इज बूमिंग एवरीवेयर अगर हम बात करते हैं चाइना की इज़ ए पार्ट ऑफ़ एशिया इंडिया इज बूमिंग वेतनाम इज ग्रोइंग पाकिस्तान इज बूमिंग सो एवरी कंट्री ऑलमोस्ट जपैन इज ऑल्सो सो एवरी कंट्री ऑलमोस्ट इन एशिया इज ए पार्ट ऑफ रिटेल सेगमेंट वेयर इट इज़ ग्रोइंग लाइक एनीथिंग इवन अगर मैं बात करता हूँ इसी परस्पेक्टिव में कि वट ट्रेंड इज एमर्जिंग तो चाइना के अंदर ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट ऑफ द बिजनेस जो कि रिटेल के, के थ्रू जनरेट हो रहा है वो टूरिज्म के थ्रू जनरेट टूरिस्ट से जनरेट हो रहा है मीन्स अ टूरिस्ट पीपल हु आर विजिटिंग चाइना एंड दे आर बाइंग दिस प्रोडक्ट सो इमेजिन रिटेल के ऊपर कितना बड़ा इसका इम्पैक्ट है सो सेम इज द केस ऑलमोस्ट इन जपैन एंड दे आर गेटिंग बेनिफिट ऑफ इट ऑल दो कुछ करेंसी के एक्सचेंज से कुछ डिफरेंस आते हैं लेकिन इन जनरल ह्यूज बेनिफिट्स द रिटेलर कैन स्पेशली आर इन दिव एक्चुअली इन द एशिया फोर्थ मेजर ट्रेंड हमारे पास है ऑनलाइन फैशन रीसेल के हवाले से नॉर्मली आपने जो कॉन्सेप्ट सुना होगा वो ऑनलाइन फैशन के हवाले से होगा इंपॉर्टेंट ट्रेंड जो अमर कर रहा है दैट इज रीसेल ऑफ दिस प्रोडक्ट्स विच मीन्स सेकेंड हैंड क्लोथ्स की बात हो रही है सेकेंड हैंड कपड़ों की बात हो रही है जो कि आज के दिन में पूरे यूरोप में और पूरे अमेरिका में इज वन ऑफ द टॉप ट्रेंड्स के दैट यू कैन सेल और यू कैन बाय प्रोडक्ट्स यू कैन साई दी सेल और बाय दीज क्लोथ्स ओवर द इंटरनेट ना सिर्फ नए कपड़े बल्कि दी सेकेंड हैंड और दी यूज कपड़े ऑल्सो जिस तरीके से अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टर्स में किसी लंडा बाज़ार की बात करते हैं सो वो फिज़िकल स्टोर तो हमें बहुत सारे मौजूद हैं तो यस देर इज़ ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी ऑल्सो कि इवन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान के, के अंदर भी वही उसी तरह की रेपले यू कैन हैव दिस सोल्यूशन ऑनलाइन क्योंकि ये एक बहुत बड़ी इमर्जिंग ट्रेंड में से है बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि कॉन्ट्रीब्यूट रहा है क्विकली हम आते हैं फोर्थ ट्रेंड की तरफ विच इज शेयरिंग इकोनॉमी शेयरिंग इकोनॉमी क्या है इज वेरी सिंपल वेरी इजी जिस तरीके से कॉन्सेप्ट ऑफ उबर है वट दे आर डूइंग दे आर शेयरिंग व्हीकल दे आर शेयरिंग कार इसी तरीके से करीम का कॉन्सेप्ट है सो दिस कॉन्सेप्ट इज इमर्जिंग लाइक एनीथिंग एयर बी एन बी का कॉन्सेप्ट है पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन अकोमोडेशन के हवाले से पीयर टू पीयर अकोमोडेशन के हवाले से तो इट इज इंपॉर्टेंट समझने के लिए जरूरी है तो शेयरिंग इकोनॉमी इज वन ऑफ ट्रेंड्स फिर वन चाइल्ड पॉलिसी इन चाइना 2016 में आपको पता है कि चाइना ने इस बैन को लिफ्ट कर लिया इसका मतलब यह है कि आठ से दस मिलियन लोग हर साल एड हो रहे होंगे टू तो द पॉपुलेशन सो इट इज एक्सपेक्टेड दैट कि ऑलमोस्ट 15 मिलियन डॉलर का बिजनेस जो है वो दोबारा से नया जनरेट होगा इस वन चाइल्ड वन पॉलिसी की, की बेसिस के ऊपर नॉट ओनली फॉर चाइना

टरिंग दैन इन दिस केस वो बड़े अच्छे तरीके से उसके ऊपर अपना प्लान कर सकता है हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है ट्रेंड के हवाले से नेक्स्ट ट्रेंड है दैट इज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग शॉपर्स नॉर्मली तो आपको बहुत सारे केसेस ऐसे नजर आएंगे कि जहां पे सोशल मीडिया का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इंफ्लुएंस कर रहा है शॉपर्स को कि वो बाय करे चीजों को ओवर द इंटरनेट इसी तरीके से होम इंप्रूवमेंट का कॉन्सेप्ट होम इंप्रूवमेंट मार्केट इज ग्रोइंग थ्रू आउट द वर्ल्ड यूरोप में ग्रो करिए यू एस ए के अंदर ग्रो करिए इवन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान आपको नजर आएंगे होम इंप्रूवमेंट स्टोर जिस तरीके से हैबिट पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है इंटरनेशली आई की बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है होम डिपो ग्रो कर रहा है सो इंटरनेशनली ग्राफ इज अप तो दिस इज वन ऑफ द ट्रेंड्स इमर्जिंग ट्रेंड्स के जहां पर रिटेल के अंदर ये वाला सेगमेंट बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है